ਡਿਊਜ਼ਿੰਗ ਆਈ ਉਹ ਪਰਾਂ ਹੱਟ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਓਏ ਓਹੋ ਓਏ ਸਾਰਾ ਪੋਪ ਕੌਣ ਗਰਾ ਦਿਆ ਮੇਰਾ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋ ਤੁਮ ਸਾਥ ਮੇਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠਨੇ ਵਾਲੇ ਥੇ ਓਏ ਤੂੰ ਵਾਟ ਟੂ ਬੀ ਡੂਇੰਗ ਆਈ ਓਏ ਲਾਸਟ ਮਿੰਟ ਪੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਟ ਐਕਸਚੇਂਜਿੰਗ ਸੀਟ ਵਿਦ ਆਈ ਹਾਂ ਸਿਰ ਮੈਂ ਆਪ ਗਾੜੀ ਤੇਜ਼ ਚਲਾਣੇ ਕੇ ਲਈ ਕਹਾ ਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕਬ ਕਹਾ ਤਾ ਸੋਚਾ ਤੋ ਥਾ बस हमारे एक दूसरे से बात ना करने के रूल की वजह से चुप बैठा अच्छा ठीक है एक और जब मैं छोटा था तब मुझे अंधेरे से डर लगता था अब जब बिजली का बिल आता है तो मुझे रोशनी से डर लगता है मैं भी कितना फनी हूं ना मैं ये ना सैनी और सकलानी को सुना क्या पाऊं तुम चलो ना मेरे साथ मैं 2 मिनट के बाद आती हूँ आप चाहिए ना अच्छा ठीक है लगता है मेरा स्विच ऑफ बटन ऑन करने का टाइम आ गया है मिलते हैं 3 घंटे के बाद मैं अब भी यही हूँ ठहरने की कोई बात नहीं है फिर से ट्राई करते हैं स्विच ऑफ बटन ऑन क्यों नहीं हो रहा है समझ में नहीं आ रही है अब आप क्या करोगे माँ पता नहीं ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ वैसे उतर खाने पीने का बंदोबस्त किया है कि नहीं हाँ किया है ना ये रोहन क्यों नहीं आया अभी तक अंकलो और आंटियो आज की स्पेशल डिश ये क्या है रोहन कस्टर्ड पाए पापा अरे वो तो मुझे भी दिख रहा है लेकिन तुम मीठा क्यों सर्व कर रहे हैं खाना क्यों नहीं लाया अरे वही तो लाया हूँ यही है आज का वन एंड ओनली स्पेशल डिश कस्टर्ड पाई विद फ्रेश व्हिप्ड क्रीम यही आज का खाना है और यही आज का मीठा है 2 in 1 पापा 2 in 1 मतलब इसके साथ कुछ नहीं मिलेगा मिलेगा ना पापा चम्मच ट्राई कीजिए ये ऑन क्यों नहीं हो रहा है अब मैं क्या करूंगी माँ अगर ये सच में एक बटन होता ना तो पापा यूं चुटकियों में से ठीक कर देते बिजली के आर्टिस्ट जो हैं मैं एक हाई वोल्टेज पार्टी में अपना स्विच ऑफ बटन ऑन नहीं कर पा रही हूँ और तुम्हें मजाक सूझ रहा है हाँ रिलैक्स मैं तो बस आपको ध्यान बटाने की कोशिश कर रही थी अच्छा कोई बात नहीं अब आविष्कार अपनी मामी जी को साथ लेकर आएगा ना तो आप पूरी पार्टी में उनसे बातें कर लेना ठीक है लगता है वो आ गया हाय डॉली हाय आविष्कार अब तुम्हारी मामी जी कहाँ हैं? वो गाड़ी पार्क कर रही आती होंगी अच्छा हेलो मैम हाउ आर यू हेलो बेटा और लोग आ गए ये है मेरी मामी जी शालिनी आंटी और ये है तुम मैम अच्छा लगा ना कस्टर्ड पाई के बारे में फीडबैक देना मत भूलो हेलो लीजिए कस्टर्ड पाई के बारे में फीडबैक देना मत भूलो ये लीजिए कस्टर्ड पाई के बारे में फीडबैक देना मत भूलना क्या इसमें ये लिख सकते हैं कि शेफ कितना घटिया और बेकार है नहीं आप सिर्फ कस्टर्ड पाई के बारे में लिख सकते हैं एक्सक्यूज मी कस्टर्ड पाई के बारे में फीडबैक देना मत भूलना माँ प्लीज मेरी खातिर शालिनी आंटी से एक बार बात कर लो ठीक है कैसी हो शालिनी तुमसे मिलने से पहले अच्छी थी मैंने सुना है तुमने हॉस्पिटल फिर से ज्वाइन कर लिया है हाँ तुम्हारे बारे में भी पूछती पर तुमने तो एक के बाद एक बच्चे पैदा करने को अपना फुल टाइम जॉब बना लिया है शालिनी ना बात बात पर ताने मारती है मेरा स्विच ऑफ बटन आज ही खराब होना था आविष्कार मैं जानती हूँ कि ये ठीक नहीं है पर क्या तुम पार्टी से मामी जी को ले जा सकते हो माँ उनकी वजह से बहुत अपसेट हो रही हैं अरे लेकिन हिमानी मैम की वजह से जो मामी जी अपसेट हो रही हैं उसका क्या एक्सक्यूज मी माँ ने उनसे अच्छे से बात की थी आंटी ने ही ताना मारा हिमानी मैम भी कुछ कम नहीं है और तुम ना बिल्कुल अपनी मॉम जैसी हो किसी की बात सुननी है नहीं बस अपनी मनमानी करती रहो तुम भी बिल्कुल
भी शालिनी आंटी की तरह बे मतलब का ताना मार रहे हो। वाह, अब तो तुम अपनी मॉम की तरह बात करने लग गई हो। मेरी माँ को बीच में मत घसीटो, वरना वरना क्या क्या करोगे तुम? वरना मैं तुम पागल हो गई क्या? आ, ये क्या? ओए नॉनसेंस है, वो पासवर्ड तो तेरी बेटी का हैप्पी बर्थडे ही है ना। व्हाट हैपनिंग, ओ व्हाई जो लुकिंग टू माय फेस, वो ये तो इंटरनेट पे लिखा हुआ था ना। नॉनसेंस, ओए हु इज दिस फोन डिस्टर्बिंग अस, वी आर ट्राइंग टू बी पिक्चर सीइंग ना। बोली आंटी वो आपका फोन है। ओए ओए मेरा कैसे हो सकता है, एक मिनट। ओए यस यस, ओ भाई सॉरी सॉरी, माय सिंसियरली अपोलोजाइज। हेलो बबली, आई कांट टू बी टॉकिंग नाउ बिकॉज़ आई एम पिक्चर सीइंग। ओए आई कांट टू बी टॉकिंग नाउ बिकॉज़ आई एम पिक्चर सीइंग। अरे यार अपनी मम्मी का मुंह बंद करो, ये मेरी मानी है। अरे जो भी है ना बोलो, चुप रहे आप, चुप रहो। ओए ओए बबली, आई नाउ फोन टू बी कटिंग बिकॉज़ पता है ओए पिक्चर में अब विलेन जो है ना वो प्राइम मिनिस्टर के बेटी को किडनैप करने वाला है। चल तू ना। अरे यार वो इस बुढ़िया रानी के मुंह पे टेप क्यों नहीं लगा था? बस बहुत हुआ, रूली आंटी बुढ़िया है, आप उन्हें रानी कैसे कह सकते हो? अब आप कुछ भी बोलना है मुझसे बोलिए, बस मेरे इस प्यारे मैनेजर से बात करने के बाद। तुम निकलो इस थिएटर के बाहर। हैं? शोर तो ये मच आ रही है। वो भी तुम्हारे साथ बाहर जा रही है। ऊपर मैनेजर साहब मैंने क्या किया, व्हाट टू बी डूइंग आई। आप निकलो बाहर। एक्सक्यूजिंग आई, और पैर पीछे कर। हां इन्हें ये असली प्राइम मिनिस्टर नहीं है, ये तो उसका जुड़वा भाई है। और फिर उसने उसको पकड़ लिया, वहाँ एक छुछुंदर था। अब भी छुछुंदर था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये मेरा घर है। हाँ वो तो दिख ही रहा है। अच्छा लगा देखकर कि तुम जितनी लापरवाह हॉस्पिटल में थी ना उतनी घर पर भी हो। वैसे मुझे भी बहुत अच्छा लगा ये देखकर कि तुम बच्चों के साथ खेल रही हो, वरना मैं सोच भी नहीं सकती थी कि बिना जहर उगले तुम किसी से बात भी कर सकती हो। हाँ, ये बच्चे हैं ही इतने प्यारे, लगता है अपने पापा पे गए हैं। आप दोनों लड़ क्यों रहे हो? बेटा तुम्हारी मम्मा को लड़ने झगड़ने के अलावा कुछ और आता ही नहीं है। उसने मुझसे पूछा था। लेकिन मामा आपने मुझे बॉबी से लड़ने को मना किया था और ये भी कहा था कि लड़ना बुरी बात है। क्या बॉबी तुम्हारा भाई है ना, एक सड़ियल आंटी नहीं। नहीं लड़ना अच्छी बात नहीं है, आप दोनों अभी के अभी शेक हैंड्स करके फ्रेंड्स बन जाओ। अभी वैसे हुक्म चलाने में तो ये बिल्कुल तुम पर गई है। अरे अरे क्या कर रहे हो ये तुम लोग, क्या बचकानी हरकत है ये, रुक जाओ सबके सब। अवतार बिजली कंपनी, ये सब क्या हो रहा है? हाय। तो निकी तुम्हारी वजह से माँ और शालिनी आंटी ने लड़ना बंद कर दिया, मैं और आविष्कार भी लड़ना बंद कर देंगे बस उसके 4-5 बार सॉरी बोलने के बाद। ओह जैसा कि तुम देख सकती हो पापा की धमाकेदार हाई वोल्टेज पार्टी के सारे निशान मिट चुके हैं, वो इसलिए क्योंकि माँ ने लिविंग रूम साफ करने के लिए एक एक्सपर्ट बुलाया। हद होती है, करे कोई और भुगतो मैं। एक बार मुझे पता चल जाए वो पाइप फेंकना शुरू किसने किया, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। हमें वो कभी नहीं पता चल पाएगा पापा। अरे पापा ये लो। ये क्या?
मेरे खाने के सामान का बिल। फिक्र मत करो, मैंने अपनी प्रोफेशनल फीस नहीं लगाई है। आखिर बैठा हुआ आपका, मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? अरे पापा! लगता है रोहन को पापा से कोई नहीं बचा पाएगा। उसे बोलो बेस्ट लक निकी। ओ नहीं नहीं नहीं, ये अपने आप को बर्फ से बचा लेगा। हाँ। देखा, मैंने कहा था ना। बोलिए आंटी, आप थोड़ा धीरे बात करेंगे, लोग इरिटेट हो रहे हैं। हाँ, और खासकर मैं। आप जरा चुप रहेंगी? देख नहीं रही मैं दुनिया को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ? क्यों भाई, मैं क्यों चुप करूँ? है, और मैंने टिकट के पूरे पैसे खर्च किए, जितना चाहे बोल लूंगी मैं तो। अच्छा, देखते। अब आप कैसे बोलेंगी? Excuse me, firefighter sir, आपने कमियां नहीं निकालना चाहता, पर लोगों को गायब करने की शक्ति पावर फाइटर की है ना। अच्छा, तो फिर मैं ये कैसे कर सकता? क्या किसी और को मेरी शक्तियों के बारे में कुछ कहना है?